माशाल्लाह भी हमारा एक और पूरा आ चुका है। ये बच्चों का है? नहीं, बड़ों का है। चलो अभी आए हैं। ठीक है, इसके सामने? तो आपको क्या बोला गया था जिसकी वजह से आप ये लाए, जरा बताएं अपने तासुरात। बस ये मदद कर रहे हैं जैसे, तो हमारे भी जो हैसियत के हिसाब से जो है हमने अपनी तरफ से लाके चीज़ें दे दी हैं ताकि गरीब लोग जो सर्दी की वजह से जो है परेशान है, नहीं ले सकते, उन तक ये चीज़ें पहुँचे। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोस्त ये काम करें तो हमने कहा हमारा भी इसके अंदर हाथ हो जाए ताकि जो है और लोगों को आसानियाँ होने के अंदर। माशाल्लाह, आपका ये जज्बा देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप बता सकते हैं कहाँ से आए? शाह फैसल से आए आप? अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये साहब आए बाइकर्स में, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग आते हैं बारी ग्रुप को अपने जो पुराने कपड़े हैं घर की या पुरानी जो चीज़ें हैं वो बाइक के थ्रू भिजवा रहे हैं। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी बाइक के थ्रू भिजवा सकते हैं, और जो भी इनका रेंट वगैरह होगा वो हम पे करेंगे। किन साहब ने भेजाई? अजीम साहब। अजीम साहब कहाँ से? ये उन्होंने मेंशन नहीं करवाया और ना बताना भी नहीं चाह रहे। अच्छा, वो बताना नहीं चाह रहे हैं। ये अजीम साहब ने भेजा है और उन्होंने जगह नहीं बताई है, बस बाइक के ज़रिए। और जिनके पास भी ये कपड़े हों भिजवा सकते हैं बाइक के ज़रिए। अजीम साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि ये उन्होंने भिजवाया, और इसी तरह मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी सवाब में शामिल हों और पुराने कपड़े वगैरह भिजवाते रहें। ये लीजिए सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम खुद इनको पैसे पे कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, सिर्फ आप पुराने कपड़े वगैरह भिजवा दीजिए, पैसे हम पे कर देंगे अपने पास, कोई इशू नहीं। Thank you.